Hello guys, स्वागत है हमारे चैनल में इसका नाम स्पोर्ट्स यहाँ कुछ है फुटबॉल से जैसा ट्रांसफर ट्रांसफर रूमर्स तो शुरू करते हैं की वीडियो बड़ा किसी देरी के तो सबसे पहले बात कर लेते हीरो आईएसएल के बारे में तो आईएसएल में कल था मैच एफसी गोवा वर्सेस उड़ीसा सी का एंड ये मैच एफसी गोवा ने 3-1 से जीत लिया है एंड एक काफी बढ़िया मैच में बोलूंगा एफसी गोवा के लिए एंड एफसी गोवा को के जॉर्जिस मेंडोजा एंड इवन गोंजालेस का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था मैं बोलूंगा इन दोनों प्लेयर ने काफी बढ़िया गेम खेला है कल के मैच में एंड एल्बर्टो नोगियोरो का भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था एंड सेरिटन फर्नांडिस ने भी काफी बढ़िया रोल प्ले किया था कल के मैच में अटैक में एंड धीरज सिंह का भी गोल कीपिंग काफी बढ़िया था मैं बोलूंगा एंड जो एकमात्र गोल जो धीरज सिंह ने कंसीड किया है उसमें मैं थोड़ा सा गलती में बोल सकता हूँ धीरज सिंह का बट मैं पूरा पूरी ये नहीं बोल सकता कि वो गोल धीरज सिंह के कारण ही एफसी गोवा ने कंसीड किया है एंड एफसी गोवा को के एल्बर्टो नोगेरो इवन गोंजालेस एंड जॉर्ज ऑटिस मेंडोजा ने गोल किया है एंड उड़ीसा एफसी को के एकमात्र गोल डिएगो माउरिसियो ने किया है एंड जो कि मैं बोलूंगा काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल था बहुत कुछ ज्यादा मेहनत लगा नहीं एंड कल के मैच में भी ईशान पंडिता को लास्ट 10 मिनट के लिए उतारा गया था बट मेरे हिसाब से कल के मैच में और 20-25 मिनट उनको दिया जा सकता था बट मुझे लगता है एफसी गोवा जीत रहे थे तो उनको नहीं लाया गया फर्स्ट 11 में एज अ सब्स्टिट्यूट बट मेरे हिसाब से ईशान पंडिता को फर्स्ट 11 में लाना चाहिए क्योंकि जब एफसी गोवा हार रहा था बहुत ऐसे मैचेस है ईशान पंडिता के कारण वो मैच ड्रॉ में कन्वर्ट हुआ है एंड मेरे हिसाब से अगर उनको एज अ सब्स्टिट्यूट 70 मिनट में लाया जाता तो काफी बढ़िया बात होता हम लोग को भी कुछ ज्यादा देर देखने को मिलता है ईशान पंडिता का परफॉर्मेंस पिच में बट डेफिनेटली ये कोच के ऊपर डिपेंड करता है एंड इस मैच को जीतने के बाद एफसी गोवा टॉप 4 में जा चुके हैं बट गोल डिफरेंस हैदराबाद एफसी के साथ अभी भी एक गोल का डिफरेंस है एंड हैदराबाद एफसी का जो गोल डिफरेंस है वो है 8 एंड एफसी गोवा का है 7 तो एक एडवांटेज अभी भी हैदराबाद एफसी ले रहे बट वो कब तक होल्ड कर पाएंगे ये देखने लायक होगा क्योंकि नेक्स्ट 2 मैचेस हैदराबाद एफसी का काफी ज्यादा टफ होने वाला है एक तो हैदराबाद एफसी एफसी गोवा के अगेंस्ट में खेलेंगे अपना लास्ट मैच एंड इटी के मोहन बगान के अगेंस्ट में खेलेंगे हैदराबाद एफसी तो डेफिनेटली टफ तो होगा बट कल के मैच के बारे में आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना सवाल बात करें आज के मैच के बारे में तो आज का जो मैच है चेन्नई एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच नॉर्थ ईस्ट के लिए क्योंकि अगर ये मैच नॉर्थ ईस्ट जीत जाते तो हम लोग ये ऑलमोस्ट कंफर्म समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट टॉप 4 में रहेंगे एंड फिर पूरा कंपटीशन आ जाता है हैदराबाद एफसी वर्सेस एफसी गोवा के बीच में जो मैच होगा उसमें एंड डेफिनेटली इस मैच में नॉर्थ ईस्ट काफी बढ़िया अपर हैंड रखते हैं बट चेन्नई एफसी हैव नथिंग टू लूज तो वो लोग बिल्कुल फ्रीली खेल सकते हैं एंड ये चेन्नई एफसी का 19th मैच है एंड नॉर्थ ईस्ट का ये 18th मैच है सो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट इस मैच से 3 पॉइंट लेना चाहेंगे एंड मुझे लगता है वो ले भी लेंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का रिसेंट परफॉर्मेंस मेनली खालिद जमील के अंडर बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड मुझे लगता है शायद खालिद जमील को एज अ परमानेंट कोच भी रखा जा सकता है एटलीस्ट एक सीजन के लिए उनको डेफिनेटली ट्राई दिया जा सकता है अब ये तो नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है बट मुझे लगता है कि उनको एटलीस्ट एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि जब से नॉर्थ ईस्ट खालिद जमील के अंडर खेल रहे बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है एंड अच्छा लगता है कि जब कोई इंडियन कोच के अंडर कोई आईएसएल का टीम का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बढ़िया हो सुनिश्चित केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से तो केरला ब्लास्टर्स एफसी के अभी के लिए इंटरिम हेड कोच है इशफाक अहमद तो बहुत लोग जानते हैं इशफाक अहमद कौन है उन्होंने केरला ब्लास्टर्स एफसी में एज अ प्लेयर भी खेला है एंड बहुत साल से वो असिस्टेंट मैनेजर भी है केरला ब्लास्टर्स एफसी में एंड उन्हीं को करेंटली एज अ इंटरिम कोच रखा गया है एंड नेक्स्ट सीजन में डेफिनेटली कोच चेंज होगा अब देखने लायक होगा कि नेक्स्ट कोच केरला ब्लास्टर्स एफसी का कौन होता है क्योंकि ऑलरेडी केरला ने लास्ट 7 सीजन में बहुत सारे कोचेस चेंज किया है एंड फिर से हम लोग को केरला ब्लास्टर्स एफसी में एक नया कोच देखने को मिलेगा सर देखते क्या होता है सुनिश्चित है हमारा हीरो आईएसएल को लेके सो हीरो आईएसएल का प्लेऑफ्स का डेट सामने निकल के आ चुका है एंड सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग होगा 5th एंड 6th मार्च को एंड सेकेंड लेग होगा 8th एंड 9th मार्च को एंड फाइनल होगा 13th ऑफ मार्च को एंड ये है डेट्स एंड आप जो तो वीडियो को पॉज करके भी ये पूरा लिस्ट देख सकते हो मतलब आपको क्या लगता है टॉप 4 टीम्स कौन होंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो नेक्स्ट इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है आंद्रे सिल्वा के ऊपर तो आंद्रे सिल्वा फ्रैंकफर्ट के प्लेयर है एंड अभी करेंटली वो बुंडेसलीगा में खेल रहे हैं एंड वो एक पुर्तगीज प्लेयर है उनका एज है 25 वो एक सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है एंड इस साल उनका बुंडेसलीगा का जो परफॉर्मेंस है वो देखने लायक है मतलब 20 मैच में 18 गोल एंड 3 असिस्ट कमाल का परफॉर्मेंस है आंद्रे सिल्वा का एंड इसी के वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है आंद्रे सिल्वा के ऊपर क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक प्रॉपर स्ट्राइकर का बहुत ज्यादा जरूरत है एंड एडिसन कवानी का परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड का होगा कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है नहीं अच्छा परफॉर्मेंस है बट मैनचेस्टर यूनाइटेड को जल्दी एक रिजल्ट चाहिए किसी प्लेयर के साथ तो वो मिलना थोड़ा सा टफ है
इसी की वजह से वो आंद्रे सिल्वा को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से उनको अपने जो प्लेयर्स उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक टीम के साथ सेट होने में एटलीस्ट एक प्लेयर को प्रीमियर लीग जैसे स्टेज में 5-6 महीने आराम से लग जाता है, एटलीस्ट 10-12 मैच तो लग ही जाता है, एंड प्रॉपरली सेट होने में 5-6 महीने जैसे मैंने बोला। एंड इसी के वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजमेंट को ये समझना होगा कि देयर प्लेयर्स उनको थोड़ा सा टाइम दो टीम के साथ सेट होने के लिए, एंड उसके बाद वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली आंद्रे सिल्वा मैनचेस्टर यूनाइटेड में जा सकते हैं। भाई आपको लगता है क्या आंद्रे सिल्वा मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाएंगे, यानी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट इज हमारे टॉटनहम हॉटस्पर्स को लेके, सो टॉटनहम हॉटस्पर्स इंटरेस्टेड है ब्रेंडन रॉजर्स के ऊपर। तो ब्रेंडन रॉजर्स जो कि लेस्टर सिटी के करंट मैनेजर है, एंड टॉटनहम जोसे मोरिनो को निकाल के कोई दूसरा मैनेजर लाना चाहते हैं, क्योंकि जोसे मोरिनो के अंडर टॉटनहम का परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रहा नहीं है, एंड इसी के वजह से वो कोई दूसरे कोच के ऊपर इंटरेस्टेड थे। पहले टॉटनहम एक्चुअली इवर्टन के कोच के ऊपर इंटरेस्टेड थे, बट करेंटली टॉटनहम ब्रेंडन रॉजर्स के ऊपर इंटरेस्टेड है, एंड ये एक्चुअली एक रिपोर्ट है यूरो स्पोर्ट्स का, तो हम लोग इस चीज को कहीं ना कहीं सही बोल सकते क्योंकि यूरो स्पोर्ट्स एक काफी बड़ा स्पोर्ट्स न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। एंड डेफिनेटली ब्रेंडन रॉजर्स के अंडर लेस्टर सिटी का परफॉर्मेंस कमाल कर रहा है। करेंटली सीजन में लेस्टर सिटी 3rd पोजीशन में है, एंड टॉटनहम करेंटली सीजन में 9th पोजीशन में है, तो इसी के वजह से मेरे हिसाब से टॉटनहम का मैनेजमेंट ब्रेंडन रॉजर्स को अपने टीम में एज अ हेड कोच लाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ब्रेंडन रॉजर्स ने लिवरपूल को भी मैनेज किया है, एंड वेटफर्ड में भी वो एज अ मैनेजर थे, बट लेस्टर में उनका परफॉर्मेंस एज अ कोच बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, तो देखने लायक होगी क्या ब्रेंडन रॉजर्स टॉटनहम हॉटस्पर्स में एज अ मैनेजर आते हैं या नहीं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना भूलेगा, एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।